सो गाइस, आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है कि ये जो हमारी वीडियो है ये स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर्ड है, और हमारे जो स्पॉन्सर हैं वीडियो के वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये हमारे वीडियो के स्पॉन्सर हैं इस दफ़ा के, ये फुरकान कुरैशी हैं, इनका भाई है ट्विन, आपने देखा होगा काशान, ये उनके ट्विन ब्रदर हैं, इन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया। फुरकान, आप क्या कहना चाहेंगे, आपने हमारी वीडियो को स्पॉन्सर किया आज? मैं यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो को देखें, बहुत अच्छा व्लॉग बना हुआ है, आप लाजमी देखना। और आपको हम साथ साथ दिखाएंगे, प्लेट्स के भी बारे में बताएंगे साथ साथ, आप बस लाजमी देखेंगे इस वीडियो। आप बताएं कि कौन सा फेवरेट प्लेयर है आपका? मेरा फेवरेट प्लेयर बाबर आजम है, मैं उसे देखने की तरस गया, बस मैं कह रहा हूँ जल्दी से आज लंच ब्रेक और देखूँ, और बस मुझे बताएं आपकी इलेक्ट्रिकल कैसी जा रही है? इलेक्ट्रिकल मेरी इसी तरह जा रही है। अच्छा अच्छा, हम समझ सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू दी मस्केटियर्स व्लॉग। तो आज क्या सीन है काशी, दिखाओ ज़रा। यो आज हम आए हैं इधर पिंडी स्टेडियम में, टेस्ट है पाकिस्तान बांग्लादेश का। तो अभी सुबह सुबह हम पहुंच गए, 11 बज रहे हैं इस टाइम पे, आज सेकंड डे है। तो इंशाल्लाह अभी टिकट्स लिए हैं और फैमिली टिकट्स ले लिए हमने, हाँ आप देख सकते हैं। 10 बजे मैच स्टार्ट होना था, 11 बजे हम आए हैं, तो आधे से ज़्यादा टिकट्स ख़त्म हो चुके हैं, 2 इंक्लोजर्स के रह गए हैं, और फाइनली अल्लाह का शुक्र है हमें तो मिल ही गए हैं। खैर आधे घंटे तक ये भी ख़त्म हो जाएंगे जो, हाँ ये पिंडी है भाई, यही सीन होता है, पिंडी बॉय जिंदाबाद। ये आप देख सकते हैं पीछे अभी टिकट्स यहाँ पे, ये इस जगह पे टिकट्स वगैरह सेल हो रहे हैं, बाहर भी काफ़ी रश लगा हुआ। तो अभी अंदर चलते हैं, आपको मैच के भी शॉट्स दिखाएंगे, हम भी इंजॉय करेंगे, सो लेट्स गो। वेल गाइज, अभी हम लोग इंटर हुए हैं पीछे से गेट से, और यहाँ पे देखें आप सिक्योरिटी बहुत जो है ज़बरदस्त किस्म की, इन्होंने गेट्स बनाए हुए हैं बड़े हैवी किस्म के, ऐसा जो है हमने काफ़ी यहाँ पे मतलब के देख रहे हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होती हैं, लेकिन स्पेशली मैच के लिए जो है आज वो उन्होंने एक खसूसी इंतजाम किया हुआ है, और मतलब के आप देख सकते हैं हर स्पेक्टेटर्स के लिए भी, प्लेयर्स के लिए भी, और इनके भी एफर्ट्स को आप अप्रिशिएट किया करेंगे जो यहाँ पे दिन रात हमारे नया पाकिस्तान बन रहा है, नया पाकिस्तान। यार इतनी चेकिंग जो है ना, वो मेरे ख्याल में इंडिया में भी नहीं होती होगी, मुझे तो लग रहा है अपने कंट्री में स्ट्रेंजर बन गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इन लोगों ने पुलिस, एफसी, सोल्जर्स, ईच एंड एवरी यू नेम इट, मतलब इन्होंने हर एक बंदे को यहाँ पे एम्प्लॉय कर दिया अपनी सिक्योरिटी के लिए। आम दिनों में यहाँ पे आए ना, तो यहाँ पे आपको नौजवान नस्ल एक्सरसाइज करती मिलेगी, ठीक है, जबकि आजकल यहाँ पे इतने बड़े बड़े पेड़ लेके जो है ना पुलिस वाले बैठे हुए हैं, एक दूसरे की कसर गप्पे मार रहे हैं भाई। ये इन्होंने सिक्योरिटी जो है ना फिट किस्म की यहाँ पे रखी हुई हैवी। सो गाइस, फाइनली आधे घंटे की चेकिंग के बाद जो है ना, अब हम पिंडी स्टेडियम में पहुंचे हुए हैं फाइनली। तकरीबन 7-8 जगह पे चेक की है, मतलब हर 100 मीटर के बाद चेकिंग है, हर 100 मीटर के बाद चेकिंग। एक तरह से सही भी है, लेकिन क्या कहते हैं बंदे की जो हालत टाइट हो जाती है, बंदा कहता है यार ये ना हो कुछ निकल ही आए मेरी जेब से। और इस वक्त देख सकते हैं अज़र अली और शान मसूद भी इस पर मौजूद है, वो बैटिंग कर रहा है। एक आबिद अली आउट हो गया, आबिद अली आउट हो गया। यार पता नहीं आज हम भी मैच देखने आए हैं, क्या चक्कर है, बाबर आजम को आए हुए आधा घंटा हो गया और कब से डिफेंसिव शॉट्स खेले जा रहा है, जीरो पे खड़ा है, एक कवर ड्राइव नहीं मारी अगले डे, उसकी कवर ड्राइव स्ट्रेट ड्राइव चौके के लिए खड़े बैठे हैं यहाँ पे, यार खड़े भी हुए थे लेकिन अरे इतने कोट जैकेट पहन के आए हैं, गर्मी शदीद हो रही है, लेकिन एक कवर ड्राइव के लिए बैठे हुए उसकी, और वो कब से डिफेंसिव शॉट, सारी बॉल जो आ रही है उनको छोड़े जा रहा है, लीव कर रहा है, एक शॉट बैट टच ही नहीं कर रहा, हो सो फ्रस्ट्रेटिंग। गाइस ये जो आप रश देख रहे हैं नीचे, यहाँ पे चावल नहीं बनते जा रहे, यहाँ पे जो है ना शहीनशाह आया है जिसकी बैटिंग प्रैक्टिस है, वैसे तो वही बॉलर है लेकिन ये बैटिंग प्रैक्टिस करते हैं, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, लेट्स सी। और ये लंच ब्रेक के बाद 9:12 स्टार्ट हो रहे हैं, तो
सो मैच कंटिन्यू है और ये जैसे आप देख सकते हैं अपर में बैठा हुआ फुरकान। फुरकान जी क्या व्यूज हैं आपके, जानी टेस्ट कैसा चल रहा है? अभी तो अच्छा चल रहा है फिलहाल, लेकिन देखें क्या होता है। बाबर आजम सच्ची ही गरीब है, तो आप बाबर आजम की सेंचुरी देख के जाएंगे, क्योंकि गर्मी से आपके हालात बहुत टाइट लग रहे हैं। नहीं देख ही जाएंगे इंशाल्लाह, टेंशन ना ले। बाबर आपकी मोटिवेशन को सलाम। शाह मसूद ही बस सेंचुरी करने लगे, वो ज्यादा गरीब है सेंचुरी के। नर्वस 90 में फंसा हुआ। सो गाइस सीन ये है कि पहले हमने सोचा था हम 1 बजे वापस चले जाएंगे, फिर बाबर 50 के करीब आ गया, फिर हमने कहा इसकी 50 देख के जाते हैं, फिर हमने सोचा कि 2 बजे चले जाएंगे, फिर शान मसूद सेंचुरी के करीब आ गया, फिर हमने कहा उसकी सेंचुरी देख के जाते हैं, और अब फाइनली जो है ना लास्ट सेशन शुरू हो गया टी के बाद और 3:15 का टाइम हो गया, और हमें बिल्कुल भी जो है मतलब बोर भी नहीं हो रहे हैं। एक्साइटमेंट है हमें कि बाबर आजम अभी सेंचुरी करेगा या इस सेशन में करेगा, मतलब लोग भी इसी को देखने के लिए आ रहे हैं। शान मसूद की भी सेंचुरी को देखा, फिर वो आउट हो गए, लेकिन ये है कि क्रेज़ अभी भी है, हम अभी भी एक्साइटमेंट बिल्कुल इसी तरह है कि यार अभी कुछ ना कुछ होने वाला है, अभी एक सेंचुरी करेंगे 50 करेंगे और टाइम का पता भी नहीं चलता टेस्ट में। लोग असल में सोचते हैं कि टेस्ट मैच देखने जाएंगे बोरियत होती है, पता नहीं क्या सीन होगा, लेकिन यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा है कि टाइम का बिल्कुल ही पता नहीं लग रहा। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लाजमी ऐप इंडिया और टेस्ट मैच देखें, बहुत मज़ा आता है। सो गाइस अराउंड 4 हो गए हैं और बाबर आजम ने सेंचुरी मार ली और हमारा भी डे जो है ना ख़त्म हो गया है। सो आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आएगा। कशान आप भी कोई रिव्यूज दें। बस यही है कि जब भी आप टेस्ट मैच देखने आए तो थोड़ा सा पैशनेट होके आए और थोड़ा सा मतलब सब्र लेकर आपके लिए होता, आप कहते हैं कि बोरिंग होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ एंड टाइम तक जब दिन खत्म होता तब जाहिर सी बात है आप ही थक जाते हैं, पूरा दिन बैठते रहना और वॉच करते रहना अपने प्लेयर्स को, लेकिन ये है कि अपने फेवरेट प्लेयर्स को देखना और उनकी सेंचुरी पर आप खुश होना, सारे खुश हो रहे होते हैं, तो आप उनको सेलिब्रेट करते हैं, एक ज़बरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट बनाओ। आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आएगा। दी मस्केटियर्स।